हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका जो चैप्टर है जीके में वो चैप्टर नंबर आपका 21 है एंड चैप्टर नेम है आपका इंडियन लैंग्वेजेस। तो हमें यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस चैप्टर को पढ़ना है। जो भारतीय भाषाएं हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती, तो आज हम वही सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेम द मेजर लैंग्वेजेस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इन द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, कि हमें उन प्रमुख भाषाओं का नाम बताना है जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकांश बोली जाते हैं। तो हमें यहाँ पर आपके चैप्टर्स में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दी हुई हैं, तो हमें उनके बारे में देखना है कि वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट में हमारा फर्स्ट दिया हुआ है इसी में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, सेकंड इज़ अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नागालैंड, फोर्थ है हमारा मिजोरम, फिफ्थ है त्रिपुरा, सिक्स्थ इज़ मेघालय एंड सेवन इज़ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर सभी जगह पर बंगाली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, BENGALI। तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है बच्चों। सेकंड पर आते हैं। सेकंड का फर्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश, सेकंड इज़ उत्तराखंड, थर्ड हरियाणा, फोर्थ मध्य प्रदेश, सिक्स इज़ छत्तीसगढ़, सेवन झारखंड, एट उत्तर प्रदेश, नाइन राजस्थान, टेन बिहार एंड लास्ट इज़ दिल्ली। तो यहाँ पर हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? हिंदी, हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है जो हमारी मातृभाषा भी है, ठीक है बच्चों। थर्ड पर आते हैं हम। थर्ड है हमारा दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड गुजरात। तो यहाँ पर सभी जगह पर गुजराती लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, गुजराती भाषा बोली जाती है। फोर्थ पर आते हैं, इसी के नीचे दिया हुआ है लक्षद्वीप आइसलैंड केरला। तो जो लक्षद्वीप है हमारा केरला है, वहाँ पर मलयालम भाषा का यूज़ किया जाता है, मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए फिफ्थ देखते हैं हम। फिफ्थ है हमारा तमिलनाडु एंड पांडुचेरी। तो तमिलनाडु में हमारा तमिल लैंग्वेज का, तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। सिक्स्थ है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी एंड उर्दू लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ठीक है। सेवन्थ पर आते हैं। सेवन्थ है हमारा पंजाब एंड पंजाब में हमारी पंजाबी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एट्थ पर आते हैं हम। एट्थ है हमारा सिक्किम, और सिक्किम में नेपाली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, नेपाली भाषा बोली जाती है। नाइन्थ पर आते हैं। नाइन्थ इज़ मणिपुर, और मणिपुर में मणिपुरी भाषा का यूज़ किया जाता है। टेंथ है हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा में ओडिया भाषा का, देखो लिखा हुआ है ये ओरिया ORIYA, लेकिन बोलते हैं हम इसे ओडिशा भाषा का यूज़ किया जाता है ना, ओडिशा लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। इलेवंथ आता है हमारा आसाम, और आसाम में असमिया लैंग्वेज, असमी भाषा और आसामी लैंग्वेज, इन तीनों के नाम से ये लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन बोली कौन सी जाती है? आसामी लैंग्वेज या असम भाषा, ठीक है। ट्वेल्थ पर आते हैं हम। ट्वेल्थ इज़ गोवा, और गोवा में कोंकणी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। थर्टीन आता है हमारा कर्नाटका, और कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ठीक है। देखो आपको सभी में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसी तरह से आपको ये सिंबल्स भी दिखाए गए हैं कि उस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो इस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। 14 पर आते हैं। 14 इज़ महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। 15 पर आते हैं एंड लास्ट है हमारा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर हमें कुछ 15 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दी गई थी जिनकी हमने लैंग्वेज को पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब आपको थोड़ा सा बताती हूँ, डिड यू नो में दिया हुआ है कि आप जानते हैं इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि हमारे भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी कि जो 22 लैंग्वेज है जिनको अधिकार मिले हुए हैं, है ना, तो उनके नेम दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है आसामी, सेकंड इज़ बंगाली, थर्ड आता है हमारा बोडो। ये जो बोडो लैंग्वेज है ये एक बर्मी लैंग्वेज है, तिब्बती भाषा है ये एक, ठीक है। फिर आती है इसमें डोंगरी, नेक्स्ट है जो हमारा, और डोंगरी लैंग्वेज हमारी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। गुजराती अभी बताया है गुजरात में, हिंदी हमारी काफ़ी जगह पर बोली जाती है, कन्नड़ हमारी कर्नाटका में बोली जाती है, कश्मीरी जम्मू कश्मीर में, कोंकणी हमारी गोवा में बोली जाती है। एक लैंग्वेज इसमें अभी दी गई है आपको और वो लैंग्वेज है हमारी मैथिली, है ना। तो ये जो मैथिली लैंग्वेज है हमारी, ये भी एक भाषा है, ये भी हमारी यूज़ की जाती है, ठीक है, मैथिली भाषा। मलयालम आती है हमारी, तो ये जो मलयालम हमारी जो भाषा है ये हमारी कहाँ पर बोली जाती है, केरला में, लक्षद्वीप में। मणिपुरी, मणिपुर भाषा मणिपुर में बोली जाती है। मराठी, महाराष्ट्र में। नेपाली हमारी कहाँ पर बोली जाती है, सिक्किम में, है ना। और ओरिया उड़ीसा में। पंजाबी, पंजाब में। संस्कृत लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है ना, संस्कृत भाषा हमारी है। एक है हमारी यहाँ पर जो लैंग्वेज दी गई है संथाली भाषा, और ये संथाली भाषा भी हमारी कहीं ना कहीं पर यूज़ की जाती है। सिंधी लैंग्वेज, सिंधी भाषा यूज़ की जाती है। तमिल, तमिल भाषा भी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी तमिल लैंग्वेज यूज़ की जाती है तमिलनाडु और पांडुचेरी में। फिर आती है हमारी तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा भी हमारी यूज़ की जाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। एंड उर्दू, उर्दू भाषा भी हमारी यूज़ की जाती है। तो ये हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको अधिकार मिले हुए हैं इंडिया में कि हम इन भाषाओं का यूज़ कर सकते हैं, है ना, इन भाषाओं को बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सभी फिल करनी है और इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से इन भाषाओं को समझना है, पढ़ना है और इनको लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू।